स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास आई हैड रिटेन सम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एज फॉर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी टू वाज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी थ्री वाज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एंड आइडेंटिटी फोर वाज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास व्हाट इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी बीज गणितीय तादात में। इन हिंदी आइडेंटिटी मीन्स तादात में। अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स ऑकरिंग इन इट। एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स ऑकरिंग इन इट। यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इट इज वेरी हेल्पफुल। यूजिंग आइडेंटिटी द इक्वेशन विल बी ईजी टू सॉल्व। एज फॉर एग्जाम्पल वन टू एग्जाम्पल आई हैड सॉल्व एंड हियर एग्जाम्पल 18 एग्जाम्पल्स Example 18. In example 18, we have to factorize 49a square plus 70ab. Plus 25b square. This is an algebraic expression and we have to factorize it. Here we see 49a square. We can write 7a. A square of 7a is equal to 49a square. So for 49a square we can write 7 a square of 7a plus using a square plus using identity x square plus 2xy plus y square. X square plus 2x square 2xy plus y square. So we write 2 into in place of x we can write 7a and for b we write 5b. Multiplying we see that 70ab. 2 into 7a into 5b is equal to 70ab and for 25b square we can write 5 square of 5b. Now if we consider for 7a is equal to x and 5b for y, we have studied x square plus 2xy plus y square is equal to 7a plus 5b, a square of 7a plus 5b, and to expand 7a plus 5b into 7a plus 5b.
फैक्टराइजेशन ऑफ 49 ए स्क्वायर प्लस 7 ए 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए प्लस 5 बी इंटू 7 ए प्लस 5 बी एंड इन सेकेंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल 18 सेकेंड नंबर इज 49 25 बाई 4 एक्स स्क्वायर 25 बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर बाई 9 वी सी दैट दिस एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी कैन राइट 5 बाय 2 स्क्वायर ऑफ 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर ऑफ 5 बाय 2 एक्स इज इक्वल टू 25 बाय 4 एक्स स्क्वायर एंड फॉर वाई स्क्वायर बाय 9 वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ वाई बाई 3 एंड वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट 5 बाय 2 एक्स प्लस वाई बाई 3 इंटू 5 बाय 2 एक्स माइनस वाई बाई 3 सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू कैन सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जाम्पल्स वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू एग्जाम्पल 19 आई एम गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल 19 एग्जाम्पल 19 इन दिस एग्जाम्पल यू कैन यूज आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए आई हैड रिटेन इन प्रीवियस क्लास एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स सो राइट 3a प्लस 4b प्लस 4c 5c इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन क्वेश्चन इन एग्जांपल 19 राइट 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b प्लस 5c प्लस 5c स्क्वायर ऑफ 3a प्लस 4b प्लस 5c इन एक्सपेंडेड फॉर इन एक्सपेंडेड फॉर एक्सपेंडेड फॉर टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड यू कैन देन वी कैन राइट 3a स्क्वायर ऑफ 3a प्लस स्क्वायर ऑफ 4b प्लस प्लस स्क्वायर ऑफ 5c प्लस 2xy 2 इंटू 3a इंटू 4b 2xy प्लस 2yz 2 इंटू हियर 4b इन प्लेस ऑफ y सो वी कैन राइट 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2y 2xz प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b 5c 3a इंटू 5c Using identity x plus square of x plus y plus z is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Solving, we get
नाइन ए स्क्वायर स्क्वायर ऑफ थ्री ए इज इक्वल टू नाइन ए स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ फाइव सी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर ए बी मल्टीप्लाइंग टू इंटू थ्री ए इंटू फोर बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ए बी प्लस टू इंटू फोर बी इंटू फाइव सी फोर्टी बी सी दो चालीस फोर्टी फोर्टी बी सी प्लस तीन छप्पन तीस प्लस थर्टी ए सी सो द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्क्वायर ऑफ थ्री ए प्लस फोर बी प्लस फाइव सी इज इक्वल टू नाइन ए स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बी स्क्वायर प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर ए बी प्लस फोर फोर्टी बी सी प्लस थर्टी ए सी सो यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी योर प्रॉब्लम विल बी ईजी नाउ एक्सप्लेन अगेन एग्जाम्पल 19 राइट स्क्वायर ऑफ थ्री ए प्लस फोर बी प्लस फाइव सी इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स नाउ स्क्वायरिंग स्क्वायर ऑफ थ्री ए इज इक्वल टू नाइन ए स्क्वायर स्क्वायर ऑफ फोर बी इज इक्वल टू सिक्सटीन बी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ फाइव सी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइंग टू इंटू थ्री इंटू फोर बी वी गेट ट्वेंटी फोर ए बी एंड मल्टीप्लाइंग टू इंटू फोर बी इंटू फाइव सी इक्वल टू फोर्टी बी सी एंड मल्टीप्लाइंग टू इंटू थ्री इंटू फाइव सी इज इक्वल टू थर्टी ए सी सो द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज नाउ इन सिमिलरली यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल 21 यूजिंग यूजिंग दिस आइडेंटिटी स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड तो एग्जाम्पल 20 21 22 आर सेम नाउ वन मोर एग्जाम्पल राइटिंग द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म एग्जाम्पल 22 राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म राइट दी फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म इन द एक्सपेंडेड फॉर्म इन द एक्सपेंडेड फॉर्म थ्री ए प्लस फोर बी क्यूब ऑफ थ्री ए प्लस फोर बी Using identity, using using identity, x plus cube of x plus y cube, I have written x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. So using this identity you can solve it easily. A cube of 3a plus 4b is equal to cube of 3a plus cube of 4b plus 3 into in place of xy we can write 3 into 3a into 4b into In place of x plus y, we can write
थ्री ए प्लस फोर बी। सॉल्व भी क्यूब ऑफ थ्री ए, वी नो थ्री ए इंटू थ्री ए इंटू थ्री ए इज इक्वल टू 27 ए क्यूब प्लस क्यूब ऑफ फोर बी इज इक्वल टू 64 फोर इंटू फोर इंटू फोर 64 बी क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री ए इंटू फोर बी इज इक्वल टू 108 ए स्क्वायर बी एंड मल्टीप्लाइंग थ्री इंटू थ्री ए इंटू फोर बी बाय फोर बी तीन अट्ठाईस चौका इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 144 बी स्क्वायर 144 बी स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सपेंडेड, दिस इज इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ 3a प्लस 4b। सो सॉल्यूशन इज वेरी इजी टू सॉल्व इफ यू हैव लर्नड दिस आइडेंटिटी यू कैन सॉल्व इट इजीली। क्यूब ऑफ x प्लस y क्यूब इज इक्वल टू एंड वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल 23 एग्जाम्पल 23 एग्जाम्पल 23 एग्जाम्पल 23 इज इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज एज फॉर एग्जाम्पल 104 क्यूब ऑफ 100 क्यूब इवैल्यूएट evaluate cube of 104 if we multiply 104 by 3 times then the work is difficult, this work is very difficult, too easy easily evaluate cube of 104 we can write 100 cube of 100 plus 4 cube of 100 plus 4 is equal to cube of 104. Now using identity x plus y cube of x plus y we have studied x cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy 3xy into x plus y remember identity cube of x plus y we have studied before x cube plus y cube plus 3xy into x plus y so cube of 100 is equal to 160 plus cube of 4 is equal to 64 plus multiplying 3 into 100 into 4 into 100 is equal to 4 3 is 12 is equal to 4 4800 cube of 104 is equal to cube of 100 plus 4 using identity
क्यूब ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी हैव स्टडीज 100 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई सॉल्विंग वी गेट एडिंग प्लस 60 प्लस 8 4 1248 160 प्लस 64 प्लस एडिंग 120,000 प्लस 4800 एडिंग वी गेट 124,800 एडिंग ऑल दिस वी गेट 1124 864 एंसर एग्जाम्पल 23 वन नंबर की वैल्यू क्यूब ऑफ 104 वी कैन राइट 100 क्यूब ऑफ 100 प्लस 4 एंड यूजिंग आइडेंटिटी क्यूब ऑफ एक्स प्लस वाई वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई एंड पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वी गेट 100 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 सॉल्विंग वी गेट द रिजल्ट 1124864 The evaluation of this expression is 1124 and 864. So, now you can solve, I hope that you can solve the problems of this exercise. You will try to solve using this identity. I hope that you can solve it easily. And in next class, I will start exercise. I will solve problems from exercise 2.5. Thank you.